ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी व्यू फैमिली सारी दुनिया से, मैं आपका अपना चीफ दोस्तों स्वागत है आप सभी का वेडनेसडे मैसेज में वीक नंबर 27 का। मैं इसको अपने ऑफिस में करने वाला था लेकिन जोनाथन और उनके लड़कों ने ये सेटअप बनाया ताकि कुछ वीक ऑन वीडियोज भी आप देख सको, और मैंने बोला कि हे चलिए वेडनेसडे मैसेज यहीं से कर सकें उनके सेटअप में। ऑलराइट, और मेरे पीछे आप कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं वीक ऑन के जब मैं ये पूरा वीडियो बनाऊंगा। राइट, और इससे पहले कि मैं अपना वेडनेसडे मैसेज का शुरुआत करूं तो दोस्तों ये वीक ऑन और मेरा लास्ट वेडनेसडे मैसेज, एक बहुत ही अमेजिंग लोग आए थे मेरे ऑफिस में, दिग्विजय ने लेके आए थे उनको, और मैंने उनसे पूछा कि मुझे आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि वीक ऑन चीफ। तो मैंने डिसाइड किया कि इस हफ्ते मैं वीक ऑन के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे पूछ भी नहीं रहा हूं अब। ओके, मैं आपको यही बोल रहा हूं कि आपका कोई भी चॉइस नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा वीक ऑन। ऑलराइट, अगर आप कभी भी सपना देख रहे हो एक मैक्स आउट किंग या क्वीन बनने के लिए, या फिर आप कभी भी सपना देख रहे हो कि आप आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हो और एक दिन आप स्टेज जाना चाहते हो और अपना स्टोरी अपना कहानी बताना चाहते हो, या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है, वीक ऑन जरूरी है दोस्तों, ये नेसेसिटी है। ओके, ये सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो कि आपका होना जरूरी है। ये सिर्फ वीक ऑन नहीं आपको मिलेगा जो कि आपको वो नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा, ये एक ही जगह है जहां पे आपको अपना क्लिक मिलेगा, जो कि मैं लास्ट वेडनेसडे मैसेज में आप लोगों को बोला था। राइट, ये लास्ट कुछ दिन मैंने बहुत सारा समय दातो श्री विजयेश्वरन के साथ बिताया। कल मैं पूल गेम हम लोग खेले और ऑब्वियसली वो जीते। ओके, अगर पूल खेलने की बात है तो दातो श्री विजयेश्वरन हमेशा जीतते हैं। और कुछ अमेजिंग सेशंस हुआ कुछ यंग लोगों के साथ वी ऑफिस में। राइट, और लास्ट नाइट मैं बहुत सारे फ़ोन कॉल्स में थे, ओके, 2 से 3 बजे तक, ओके, कुआलालंपुर के वॉरियर्स के साथ। और मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कुछ समय पहले, ओके, मुझे एक चीज़ समझ में आया कि बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ओके, रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग क्यों छोड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, और डरिए मत, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप क्यूट करने वाले हो, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है सबसे बड़ा चैलेंजेस जो कि सब लोग फेस करते हैं कि लोग छोड़ते हैं बिजनेस। राइट, बहुत सारे लोग साइन अप होते हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग क्विट कर देते हैं, और ये एक मल्टी मिलियन डॉलर मिस्ट्री बन के रह चुका है कि एक्सपर्ट्स अभी भी खोज रहे हैं कि क्यों लोग छोड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इतना शानदार प्लेटफॉर्म, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है एंटरप्रेन्योरशिप का। लॉजिकली अगर आप मुझसे पूछें कि कोई भी इंसान जो कि इस दुनिया में है उसे होना चाहिए इस इंडस्ट्री में जिसे बोलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, ये ऐसा इंडस्ट्री है जो कि किसी में भेदभाव नहीं करता है, सबको गले लगाता है और आपको एक फेयर चांस देता है कि आप फाइनेंशियल फ्री हो सको। ओके, चाहे आप कहीं से भी आप हो, कहीं दुनिया बिलोंग करते हो, और ई कॉमर्स की वजह से एक्सेसिबिलिटी जो है नेटवर्क मार्केटिंग का वो बस एक बटन के क्लिक की तरह हो गया, फिर मोबाइल के स्वाइप की तरह हो गया, आप तुरंत पहुंच जाओगे। और ऑफ कोर्स हम लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में, ओके, जो कि एक यूनिट, और लेकिन लोग छोड़ते क्यों हैं, ओके, लोग क्विट क्यों करते हैं, लोग क्यों गले नहीं लगाते हैं इस इंडस्ट्री को और इसको सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं और अचीव करते कर पाते हैं फ्रीकिंग फाइनेंशियल फ्रीडम को। आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओके, क्या उनको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, कोई भी उनको प्रिपेयर नहीं करता है, और आप भी इसके वजह से दाई हो। राइट, अगर आप किसी को साइन अप करते हो, अगर आप बोलते हो कि हाँ क्यूनेट बहुत अच्छा है, ऑब्वियसली ये सच्चाई है, आप अमेजिंग प्रोडक्ट्स दिखाते हो, वो खरीदते हैं वो चीज़, और आप उसके बाद बोलते हो कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स देखो, ओके, ये वीडियो जहाँ पे गॉर्जियस मलेशियन को आप देखते हो जो कि आधा घंटा या फिर 2 घंटा देखेंगे शायद, वो एक्सप्रेस या लॉन्ग वर्जन आप देखते हो, लेकिन उसके बाद जो गाय या फिर गर्ल अपना नेम लिस्ट लिखता है, उसके बाद ओके प्रेजेंटेशन, लोग मेंटली क्या होता है, साइकोलॉजिकली, ओके, वो जो बंदा होता है या बंदी होती है, ओके, उसको एज्यूम होता है कि ये तो बस एक पार्क में टहलने के जैसा है, ओके, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट जर्नी होने वाला है उनके ज़िंदगी का, और फाइनेंशियल फ्रीडम उन ऊपर से आसमान से उनके गोदी में आके गिरेगा, और वो डांस करने वाले हैं अपने मदर इन लॉ के साथ अपने विला के बाहर, और उसके बाद अपने वाइफ को डिनर में लेके जाओगे फरारी में। ऑलराइट, और सब लोग ऐसे ही अज्यूम करते हैं, और यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि क्यों लोग ये बिज़नेस छोड़ते हैं। वो ये बिज़नेस इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि 3 दिन के बाद उन्हें 10 रिजेक्शन मिलता है, ओके, नेगेटिव न्यूज़ दिखता है गूगल में, और उनकी मदर इन लॉ चाटा मारती है उनके कि आपने क्यों साइन अप हुए क्यूनेट में। राइट, और उसके बाद वो वापस आपके पास आते हैं कि आपने मुझे तैयार नहीं किया इसके लिए। तो आपका पर्पस क्या है, अपलाइन के हिसाब से आपका पर्पस क्या है प्रेजेंटेशन का, और आपको क्या बोलना चाहिए साइन अप होने के बाद, आप उनको तैयार करो इस सफ़र के लिए। सोचिए एक बार, जितना भी सफ़र आप अपने ज़िंदगी में तय करते हो, कोई ना कोई
आपको उस सफर के लिए तैयार किया, जब आपको शादी हुआ, आपका आपके माता या पिता, आपके दोस्त आपको एडवाइसेस दिए, ओके, जब आप स्कूल गए तो आपका टीचर आपको तैयार किया, आपके पेरेंट्स आपको तैयार किए, आपके जो बड़े भाई या बहन थे वो आपको तैयार किए, और आज यूट्यूब हमारे बच्चों को प्रिपेयर कर रहा है, ओके, जो भी सफ़र वो आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे जो बच्चे हैं, जब वो पहले बार वो फ्लाइट चढ़ने वाले हैं, तो एक यूट्यूब वीडियो है कोकोमेलन का, ओके, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जे एक फ़्लाइट में कैसे जाता है। आप हमेशा उनको तैयार करोगे उनके सफ़र के लिए, ताकि वो अचानक से सरप्राइज़ नहीं होते या फिर डिसअपॉइंट नहीं होते हैं, वो तैयार होते हैं कि भाई क्या आने वाला है उनके पास। और कल मैं कुछ अमेजिंग वॉरियर से बात कर रहा था कज़ाकिस्तान के, और मुझे एक चीज़ समझ में आया कि हमें तैयार करना पड़ेगा आपको इस सफ़र के लिए। तो मैं आपका अपना चीफ, आपका अपलाइन हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ग्रेट वंस को, जापा एंड दातो श्री विजयेश्वरन को, मेरे अपलाइंस को। मैं डायरेक्ट रेफरल हूँ, ओके, दातो श्री विजयेश्वरन का, बहुत सारे लोग ये नहीं बोल पाते हैं, और वो मुझे प्रिपेयर किए थे, ओके, सारे चीज़ों के लिए, इस सफ़र के लिए, ओके। तो जब भी मैं उनके पास जाता था, वो हमेशा एक पोस्चर रखते थे और बताते थे कि अपू, मैंने बोला था आपको इस चीज़ के बारे में, मैंने आपको तैयार किया था। तो जब आप वीकॉन आते हो, लोग बोलते हैं कि आप वीकॉन में क्या करते हो, मैं उनको तैयार करता हूँ सफ़र के लिए, मैं आपको तैयार करूँगा रिजेक्शंस के लिए, मैं आपको तैयार करूँगा चैलेंजेस के लिए, मैं आपको बोलूँगा कि आपको एक वॉरियर बनना पड़ेगा, राइट। लेकिन आप अपने डाउनलाइन के साथ ये नहीं कर रहे हो, और इसीलिए वो क्विट करते हैं, इसीलिए वो स्विच ऑफ होते हैं, क्योंकि वो सरप्राइज हो जाते हैं, वो डर जाते हैं, क्योंकि वो एंटिसिपेट नहीं किए थे कि ऐसा कुछ होने वाला है उनके साथ, क्योंकि आपने उनको प्रिपेयर नहीं किया था, तैयार नहीं किया था। तो अगर आप ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं और आप एकदम नए हो, और आपका अपलाइन ने आपको इस सफ़र में आगे बढ़ने से पहले आपको तैयार नहीं किया, तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ अपने तहे दिल से कि मैं ये ग्लोबल बिजनेस को बिल्ड कर चुका हूँ दातो श्री विजयेश्वरन और जापा के लिए 25 सालों से, और अफ्रीका से लेके आइसलैंड यूरोप तक, ओके, मैंने सब चीज़ देखा हुआ है, मैंने हर चीज़ एक्सपीरियंस किया है, मैं बहुत ज़्यादा बैटल के स्कार्स मेरे पीठ में हैं सब लोग से ज़्यादा, राइट, मेरी बात समझ रहे दोस्तों। तो पहला चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, आप एक मुश्किल सफ़र का शुरुआत कर रहे हो, मुझे बोलने दीजिए ये चीज़। अगर आपको कोई मोरन बोला होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत आसान है, तो वो आपको झूठ बोले हैं, क्योंकि सोचिए एक बार कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, ऐसा चीज़ जो आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट 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 ग्रैंडफादर के पास भी नहीं था। आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो सारा चेन को, जो गरीबी का चेन है उसको तोड़ने वाला है आपके परिवार में। आप पहला US डॉलर मिलर बनने वाले हो, आपको बनना है ऐसा बंदा जो कि जो अपना जॉब छोड़े और फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बनने वाला है। आप वो पहले इंसान होने वाले हो जो बिजनेस क्लास ट्रैवल करे आप सारे दुनिया में, पहला बंदा होने वाले हो जो रोलेक्स खरीदने वाले हो, या फिर जो कॉन्टिनेंटल कार खरीदे, BMW, मर्सिडीज, एक यूरोपियन कार। आप बनना चाहते हो वो पहले इंसान की एक डिटैच बंगलो बना आप खरीद सको, राइट, आप वो पहले इंसान बनने वाले हो। सारे चीज़ जो कि आपके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ओके, पूरा आपके जो पूरा जो जनरेशन है जो आज तक अचीव नहीं किया। तो मेरे साथ ईमानदार रहिए, क्या आपको लगता है आसान होगा? अगर ये आसान होता, मैं यहाँ पे नहीं बैठा रहता, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता, मैं CNN IBN में होता और जापा और दातो श्री विजयेश्वरन के साथ, कि ऐसे लोग जो कि सोल्यूशन जिसको मिल गया है, ओके, ह्यूमैनिटी का सोल्यूशन जिसको मिल गया है कि हम सबको मिलने बनाने वाले हैं। ये सफ़र आसान नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हाँ, ये वर्थ इट होगा, ओके। तो ये पहला मैसेज आप सभी को कि आप तैयार रहो कि ये मुश्किल सफ़र होगा, आप तैयार रहो कि ऐसा सफ़र का जो कि आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ आज तक, ओके, तैयार रहिए सारे चीज़ों के लिए। पहला चीज़ आपको तैयार रहना कि सारा दुनिया आप पे हंसेगा, ओके, कभी भी एक्सपेक्ट मत करिए कि आपका फैमिली, आपका परिवार, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके कलीग्स ताली बजाएंगे कि अरे तो अब सबसे बेस्ट डिसीजन है कि आपने क्यों नेट ज्वाइन किया। वो आप पे हंसेंगे, आपको मोरन बुलाएंगे, आपको इडियट बुलाएंगे, आपको बोलेंगे कि आप सबसे बड़ा मिस्टेक आपने किया आज तक का, ये काम नहीं करता, ये कंपनी का लास्ट नहीं करेगा, ब्ला 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 ब्ला। हंसिए, सीखिए हंसना, क्योंकि जब आप हंसते हैं और जब अटैक्स होता है क्रिटिसिज्म का, ओके, लोगों का, ओके, जो कि ये ग्रेटेस्ट इंडस्ट्री के ऊपर है नेटवर्क मार्केटिंग का, ओके, 25 साल का सक्सेस जर्नी का, ओके, तो आपको कम दर्दायक होगा। जब आप हंसते हैं तो उनका पैशन कम जाता है, ओके, और उनका नेगेटिव पैशन कम जाता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? सो तैयार ही है इसके लिए, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, राइट, आपका बेस्ट फ्रेंड शायद साइन अप ना हो, आपका अपना परिवार शायद हंसे आपके ऊपर। तैयार रहिए इस चीज़ के लिए, एक्सपेक्ट मत करिए कि सारा दुनिया आपको सपोर्ट करे जब आप ऐसा चीज़ करने वाले हो जो कि वो नहीं जानते इसके बारे में, उनको डर लगता है कि आगे चल के क्या होगा, राइट, आप वो पहले इंसान होने वाले हो जो एक लीप ऑफ फेथ लिया है और एंटरप्रेन्योर बनने का फैसला किया है, तो दुनिया आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो तैयार रहिए दोस्तों।
तो तैयार रहिए आपको रिजेक्शन 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 के लिए। ओके, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट केयर आई लव इट, ये गाना याद है, आई डोंट केयर आई लव इट। ओके, ये गाना हमेशा बजाइए जब भी आपको रिजेक्शन मिलता है। मुझे रिजेक्शन मिलता है, मुझे लास्ट वीक रिजेक्शन मिला था। अगर पार्थमन सिनाती राजा, आपके अपने चीफ, आपके अपलाइन को रिजेक्शन मिल सकता है, तो सोचिए कि आपको रिजेक्शन मिलेगा तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि लोग ही रहेंगे, राइट। कुछ लोग जब किसी कैंसर हुआ है वो मना करते हैं कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मुझे क्योर नहीं चाहिए, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो लोग ही रहेंगे, उनको बदल नहीं सकते हैं। आपको अपने आप को कंट्रोल करना जरूरत है, उनको टाइम वेस्ट मत करिए उनको कंट्रोल करने का। और हो सकता है कि आपका पहला साइनअप के पहले आपको 10 रिजेक्शन मिले, ओके, हो सकता है आपको 100 रिजेक्शन भी मिले आपका पहला साइनअप का, राइट। आपका एक ही ड्यूटी, आपका एक ही गोल है कि आप छोड़िए मत, क्विट मत करिए जब तक आपको पहला साइनअप नहीं मिलता, क्योंकि ये पॉसिबल है दोस्तों, राइट, ये होने वाला है। अगर आप क्विट नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली बड़ा करोगे बिजनेस में। ओके दोस्तों, आपको एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। आपको $1,000 चाहिए, ओके, आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, ओके, लॉजिकल है। अगर आपको 250 वीक चाहिए तो आपको कम दर्द होगा, लेकिन आपको $1,000 चाहिए एक वीक में तो थोड़ा पेन ज़्यादा है। अगर आपको $5,000 चाहिए एक वीक में तो दर्द ज़्यादा है। अगर आपको $10,000 चाहिए तो दर्द ज़्यादा होगा। अगर आपको मैक्स आउट होना है सारे ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन जब आपको अचीव होगा, ओके, ये बहुत सुंदर लगेगा आपको। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे बहुत सारा दर्द मिला है जब जहाँ तक मैं अभी तक पहुँचा हूँ जहाँ पे, राइट, मुझे याद ही नहीं है कि वो क्या दर्द था, क्योंकि मेरा ज़िंदगी भी बहुत सुंदर है। जब आपको ज़िंदगी सुंदर हो जाता है तो सारा दर्द आप भूल जाते हो। तो मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों, राइट। आप प्रिपेयर रहिए, आप क्लियर रहिए कि आपको चाहिए क्या, फिर मैं बता सकता हूँ कि आपको कितना दर्द होगा सफ़र में, या फिर आप अभी वो दर्द झेल रहे हो। अगर आपको मैक्स आउट करना है तो कितना लोग को मैक्स आउट करना, हाथ उठाइए, राइट। लेकिन आपको मैं वार्निंग दे सकता हूँ कि आपको जो सफ़र है बहुत दर्ददायक होगा, आपको हमेशा लगेगा कि छोड़ दो, राइट, आपको हमेशा क्विट करने का मन करेगा। जबकि आपको मन करेगा तो V2 प्लस में जाइए, जापा का वीडियो देखिए, दातो श्री विजय सुनगा वीडियो देखिए, अपने अपलाइन को कॉल कीजिए, अपने अपलाइन के घर चले जाइए, ओके, गेट को हिलाइए और बोलिए कि मुझे क्विट करने का मन कर रहा है, मुझे बचा लीजिए, या फिर V-Con आ जाइए। क्या मेरी बात समझ रहे दोस्तों? हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता है। गवर्नमेंट हम लोग को पसंद नहीं करता, बिकॉज हम फाइनेंशियल फ्रीडम को प्रमोट करते हैं, राइट, हम इंडिपेंडेंस देते हैं लोगों को जिनको वो कंट्रोल करना चाहते हैं, राइट। लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता, हम गवर्नमेंट को कन्विंस किए कि वो गले लगा रहे इस इंडस्ट्री को। क्यूनेट ने रिस्पॉन्सिव है कि ऐसे लॉज लाया जाए उनके गवर्नमेंट में कि वो एम्ब्रेस कर सके इस चीज़ को। तो मेरी बात समझ रहे दोस्तों? तो हम तैयार हैं इस सफ़र के लिए, और जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर रहोगे इस सफ़र में उतना ज़्यादा आप लास्ट करोगे इस बिज़नेस में। आप क्विट नहीं करोगे, आप डेफिनेटली बड़ा करोगे बिज़नेस में। बस तैयार रहिए, ओके, ये एक सबसे टफेस्ट सफ़र होने वाला है आपकी ज़िंदगी का। लेकिन हाँ, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओके आउटकम आपको मिलने वाला है, या फिर डेस्टिनेशन जहाँ पे आप पहुँचने वाले हो फाइनेंशियल फ्रीडम का, ओके, एक बहुत ही सुंदर जगह है। ओके, अगर मैं आप सभी को बोलूँ फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके, एक ऐसा फीलिंग है जब आप सुबह सुबह जागते हो, ओके, तो 99% जो स्ट्रेस जो आपको पहले था वो चला गया, राइट, क्योंकि ये प्रूवन हो चुका है। क्योंकि 99% जो स्ट्रेस होता है आपका ज़िंदगी का, ओके, वो इसलिए होता है या फिर फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से होता है, राइट, और बाकी का 1% आपकी मदर इन लॉ की वजह से होता है, राइट। तो सॉल्व करिए आपका 99%, ओके, जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगा। पता नहीं कैसे समझाऊँ आप सभी को, जब आप सुबह जब उठते हो, या फिर जब आफ्टरनून में, या फिर शाम को, जब भी आपको उठना है, ओके, सबसे बड़ा स्माइल अपने चेहरे में लेके, ओके, आप बस बचने के लिए नहीं जिंदा रहते हो, ओके, पहला पॉइंट है आपका ज़िंदगी में जहाँ पे आप जीने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए हर मोमेंट आप इस ज़िंदगी का जब एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों तैयार रहिए, राइट, इस सफ़र के लिए, ओके, क्या ये टफ होने वाला है? यस, लेकिन हाँ, सफ़र के आखिर में आप फाइनेंशियली फ्री होने वाले हो, राइट, आप सफ़र का एंजॉय करने वाले हो। तो तैयार रहिए और अपने डाउनलाइंस को भी तैयार करिए सफ़र के लिए। जितना ज़्यादा वो तैयार रहेंगे तो कम लोग ही छोड़ेंगे इस बिज़नेस को, मैं आपको वादा करता हूँ दोस्तों। और याद रखिए, जो अल्टीमेट प्लेटफॉर्म जो कि आपको और आपके डाउनलाइंस को तैयार करने वाला है, वो होने वाला है बहुत जल्द, ओके, वो V-Con है दोस्तों, राइट, मैं आपको वहाँ देखने वाला हूँ। लव यू गाइज़।